हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस बजाज पल्सर NS200 BS6 2022 मॉडल का। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका मैं एक शोरूम प्राइस बता देता हूँ। इसका एक शोरूम प्राइस दोस्तों 1,42,000 यानी 1,42,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस देखने वाला है, जो कि पिछली बार से 10,000 रुपये बढ़ चुका है। और ऑन रोड आपको ये बाइक अब 1,73,400 रुपीज़ की देखने को मिल जाते हैं, यानी 1,73,400 रुपये ऑन रोड। ऑन रोड और एक शोरूम प्राइस दोस्तों मैं अपने सिटी के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और ये प्राइस दोस्तों हर एक स्टेट में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि RTO चार्जर्स और इंश्योरेंस के अलग अलग हर एक सिटी में और स्टेट में अलग अलग चार्जर्स होते हैं। अगर आपको अपनी सिटी का पता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं पता है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन और इंजन परफॉर्मेंस की। तो इंजन आपको इसमें कैपेसिटी 199.5 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग आप माइलेज पूछते हैं दोस्तों, माइलेज का तो मुझे पता नहीं, फिर भी ये आपको बाइक माइलेज अराउंड 35 से 40 दे सकती है, क्योंकि इंजन और परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि इंजन 200 cc का है और पावर प्रोड्यूस करता है 24 PS का, तो माइलेज आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा फिर भी, लेकिन पावर और परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों लुक्स की। तो सामने फ्रंट लुक्स में तो आपको सभी हैलोजन सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एलईडी तो आपको इसमें सिर्फ पीछे की तरफ रियर साइड में टेल लैंप देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें 12 लीटर का 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और यह बाइक दोस्तों 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ मैनुअल के साथ आती है। मैक्सिमम पावर के इंजन परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों 24.13 BHP प्रोड्यूस करता है एट 9,750 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क का ये जनरेट करता है 18.5 Nm एट 8,000 RPM पर। सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ, DTSI की टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आता है बजाज की। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस तरह का देखने में, रियर साइड का ये रहा लुक। अब बात करते हैं तो दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम की। तो रियर साइड में आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है सिंगल चैनल एबीएस, और फ्रंट साइड में 300 mm की डिस्क ब्रेक आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बहुत फ्रंट एंड रियर में आपको 17 इंचेस की ट्यूबलेस टायर रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं इसमें, जो कि NS160 और 125 में नहीं देखने को मिलते हैं। NS200 में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, ड्यूअल चैनल ABS की कमी है सिर्फ दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आप और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा। और ऑन रोड प्राइस और एक शोरूम प्राइस के हिसाब से अगर आपको अपनी सिटी का मालूम है तो कमेंट सेक्शन में तो बता दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और रिव्यू में कुछ भी छूट गया है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक अब्जॉर्ब देखने को मिल जाता है इसमें, स्प्लिट सीट के साथ ये बाइक आती है।